अरे ये ब्रह्मास्त्र छोड़ो, हमारे रामायण और महाभारत के असली पौराणिक अस्त्रों शस्त्रों के बारे में जान लो, जो आपको बॉलीवुड भी नहीं बताएगा। आपको तो पता है कि उस समय का विज्ञान सबसे प्रगतिशील था। एलियन थ्योरिस्ट कहते हैं कि प्राचीन भारत के लोगों ने परग्रह वासियों के साथ संपर्क करके उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पृथ्वी क्या ब्रह्मांड तक को नष्ट कर सके ऐसे शक्तिशाली वेपन्स बनाए थे। शस्त्र वो होते हैं जिन्हें हाथों से हैंडल किया जाता है, और अस्त्र वो होते हैं जिन्हें मंत्रों से जगाकर मिसाइल की तरह लॉन्च किया जाता है। धनुर्वेद के अग्नि पुराण अनुसार वेपन्स के 5 प्रकार होते हैं। 1 यंत्र मुक्त, ऐसे शस्त्र जिन्हें मशीन की मदद से ही छोड़ा जाता है, उदाहरण तीर कमान। 2 पानी मुक्त, ऐसे शस्त्र जिन्हें शिकार की तरफ फेंकना पड़ता है, उदाहरण भाला या पत्थर। 3 मुक्त संधारित या मुक्त मुक्त, इन शस्त्रों को एक बार फेंकने के बाद अगले शिकार के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, उदाहरण शूल या कुल्हाड़ी। 4 हस्त शस्त्र या अमुक्त, इन शस्त्रों को हाथों से पकड़ कर ही वार करना पड़ता है, उदाहरण गदा या तलवार। 5 बाहुयुद्ध यानी निशस्त्र शारीरिक मल्ल युद्ध, अगले शॉट में देखेंगे सबसे एडवांस और चमत्कारी मंत्र मुक्त, ऐसे अस्त्र जिन्हें बस मंत्रों की मदद से ही जगाया जाता है।